नमस्कार दोस्तों, गर्मी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने व्रत और उपवास में साबूदाना खिचड़ी और सामा की खिचड़ी तो बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज हम सींग और आलू की बहुत ही चटपटी मजेदार खिचड़ी बनाएंगे। इस खिचड़ी को आप झटपट बना सकते हो और स्वाद में भी बहुत ही चटपटी है, तो ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। बस खिचड़ी के साथ अगर दही मिल गया तो आपको और कुछ चाहिएगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना व्रत और उपवास के लिए बहुत ही मजेदार और आसान सी खिचड़ी रेसिपी। आलू सिंगदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून जीरा, 10 से 12 कड़ी पत्ता, 10 काजू के टुकड़े, 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी, नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, 1.5 टेबलस्पून किशमिश, 1.5 टेबलस्पून हरी मिर्च के टुकड़े। मैंने जो मिर्ची ली है वो ज्यादा स्पाइसी नहीं है। 1 नींबू का रस, 4 उबले हुए आलू जिसके मैंने छिलके निकालकर छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, 1/2 कप भुनी हुई और पीसी हुई मूंगफली। मूंगफली को भुनने के बाद छिलके जरूर निकाल लीजिएगा तो खिचड़ी का कलर ज्यादा अच्छा आएगा। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल गर्म करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब काजू और किशमिश डालकर मिला लेंगे। तुरंत जीरा भी डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हरी मिर्च और कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हो कि काजू और किशमिश सुनहरे हो गए हैं, तो यहाँ हम आलू के टुकड़े डालकर मिला लेंगे। नमक, काली मिर्च पाउडर, पीसी हुई चीनी, नींबू का रस, पीसी हुई मूंगफली भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिलने तक मिला लेंगे। आलू को थोड़ा सा प्रेस करते हुए मिला लेंगे तो यहाँ हमारी झटपट बनने वाली और बहुत ही चटपटी आलू सिंगदाना खिचड़ी तैयार है। 1/4 कप जितने बारीक कटे हुए हरा धनिया भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, व्रत और उपवास के लिए ये बहुत ही चटपटी खिचड़ी, जिसे हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून तेल में ही बनाया है, फिर भी ये बहुत ही मजेदार बनी है, आपको ये जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसे ही आसान सी रेसिपी के साथ।